हेलो जी, गुड मॉर्निंग। करते हैं एक और नए दिन की शुरुआत साथ में। ये देखिए, हमारे यहाँ पे था जागरण, आपको दिख रहा हूँ पूरी रात जबरदस्त माता रानी के जयकारे लगे। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जागरण करो अच्छी बात है, सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं खुद भी इस चीज़ को खूब मानती हूँ। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, सोने का टाइम होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं किसी घर पे, उस म्यूज़िक को थोड़ा सा कम कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है ना भाई। माता रानी तो जब भी सुनेगी आपकी। पर ये पूरी रात सुबह 4 बजे तक जिस साउंड से शुरू हुआ था उसी साउंड में रहा। पर ठीक है भाई, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के दिन हैं, तो कोई बात नहीं, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। आराम से, तब भी आराम से सोए, कोई ऐसी तकलीफ थी नहीं, जब भी सोई आराम से, तो बस दिन निकल गया, हो गया एक और नया दिन। तो चलिए फिर कर लेते हैं दिन की शुरुआत। फिलहाल तो अभी मैं उठी ही हूँ और अभी करते हैं काव्यांश के लंच की तैयारी। तो चलिए भाई, मैं उसके लिए फटाफट लंच रेडी कर लेती हूँ, बाद में आऊँगी आपसे बातें। बहुत बात करते हो यार आप लोग। चलिए भाई, काव्यांश को उठा देते हैं, सो रहा है वो अंदर, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा वरना। काव्यांश आ जाओ बाहर। इसके साथ ये और उठ गई फ्री फंड में। ये देखो, काव्यांश तो उठा नहीं, वो तो उठ के वापस हो गया, वो दिख रहा होगा आपको। और ये आफत खामखा उठ गई मेरी, ये मेरी गुनू बे भी उठ गया। अच्छा, पापा भी उठ गए। हाँ भाई, इसके पापा भी उठ गए और काव्यांश भी उठ गया भाई, ये गुनू बे भी उठ गया। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। काव्यांश नहा धो के रेडी, तुलसी माता को जल दे दिया है, अब दे रहा है सूर्य भगवान को। अरे ये काव्य रानी को देखो, वो अपने भाई को देख रही है कि भाई पूजा कर रहा है। काव्य भाई क्या कर रहा है, पूजा कर रहे हैं? चप्पल दे दे भाई की, इसने जिद बहस करने में बहुत मजा आओ हमारी काव्या ने। देख, उसकी चप्पल पैर कर खड़ी होगी थी। अभी पूजा कर, काव्या इधर आ जाओ। पूजा करने? पूजा नहीं, ये तो अपनी पेट पूजा मट्टी की करने गई है। पापा आगे, पापा दो रे पापा। मैं फोटो खींच के भेजूं वो आगे। पापा आगे, पापा नाइब क्यों आई? चल पापा, दूध पी ले काव्यांश अपना पहले। बाय का, नीचे बाय बाय, भेज दे कैसे एक पी लो। काव्या के फेवरेट पी ले। हाँ जी भाई, रंडे वाली बात पे तो इसी बनी अक मारे भी काव्यांश के पापा ज़्यादा ही कुछ हवा में हो रखे थे कुछ टाइम से। फिर मैंने उनको समझाया, याद कराया, अगर आपकी शादी ना होती तो आपका जीवन कैसा होता। फिर उन्हें महसूस हुआ भी है ना, ये फालतू के मजाक रहे हैं जो ये न्यूनिको है को, मेरी बीवी मायके चली गई, जिनकी सच में जा रहा हूँ तो पूछो, जुराब भी ना पामती उनने पैरन तई अंडे हैं मारे मारे भाई। अब जैसी हैं हम ही हैं, अब सर दर्द देते हैं चाहे आराम देते हैं तो इसलिए मानस बन जाओ, अपनी अपनी धर्म पत्नियों की पूरी पूरी इज्जत करो, साथ ही साथ उन माओं को भी नमन करो जिन्होंने इतनी खूबसूरत देवियों को आपके जीवन में दिया। जैसे मेरी माँ, 5 घर बसा दिए मेरी माँ ने। हाँ, 5 छोरी पैदा कर गए, 5 घर बसा दिए। मैं तो कया करूँ मलिक साहब को भी, मलिक जी आपको मेरी मम्मी के चरण दो दो पीने चाहिए, उनके वजह से आपका घर बस गया ना, वो मुझे पैदा करती ना आपकी शादी होती, आनता कितन हुए धक्के खामता। और वो एक गाना गाता कौन सा, हाय हाय ये मजबूरी, मन ने बहुत
चाहिए जरूरी, मेरी उम्र निकलती जावे, यो रांडा की करेगा, यो ढूंढ खान न आवे, हाय हाय या मजबूरी। कती रांडा का फेमस गाना, याद रखो इस गाने को और कदर करो अपनी बुओं की। ओके सच्ची बात है, मजाक थोड़ी ना है, पूछो मजाक हो तो बताइयो जीजी हो, बहनों बताना जरूर, ये मजाक नहीं था, ये सीरियस मैटर है। जो मजाक में लेना चाहो ले सके भाई, मैं तो कुछ भी कह दिया करूँ, जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोल देती हूँ। मम्मा के पास आप इतनी देर से सो रहे थे नीचे, इतनी देर से सो रहे थे दादी के पास सो रहे थे। अच्छा ये भाई 1 बजे उठ के आई है, अब ये दोपहर में सुबह से गया हुआ था ये बच्चा नीचे, ये सुबह से गया हुआ था ये बच्चा नीचे, ये देख लो ये बदमाश बच्चा ये मेरा। भाई कहाँ गया? स्कूल? स्कूल? स्कूल गया? अच्छा कौन छोड़ के आया था? पापा। पापा छोड़ के आए थे स्कूल? नहीं पापा नहीं नहीं कर रहे हैं। अच्छा तू क्या करेगी जाके? आप तो ना लिए थे ना, आपने नहीं नहीं कर ली थी। ये इधर आज का काम हो गया है, ये इधर मेरे नमकीन चावल भी बन चुके हैं, काव्या के लिए दलिया भी बन चुका है, दोपहर का काम तकरीबन हो चुका है पूरा। और ये काव्या को देखो धूप में बैठ गई, काव्या इधर आओ, खड़े हो जो पापा पिट्टी कर देंगे। नहीं नहीं रुक जा, मट्टी खा रही है तू, अभी तेरी होएगी पिटाई, अभी होएगी काव्या की पिटाई। मम्मा जा रही है अंदर और काव्या की होगी पिटाई, पापा करेंगे पिटाई काव्या की, अभी पापा तेरी पिटाई करेगा, मुझे पता चलेगा तेरे को। नहीं नीचे कहाँ भाग रही है, नीचे क्या बच जाएगी तू, क्या गंदे काम कर रही है तू, बंद करो, बंद करो ड्रॉर, बंद करो। अब ये है ना यह सो जा, आजकल पहले ही अब ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, इसके हाल देख लो, मतलब कि सोनता दूर की दूर और ना सो ठान लग रही है मेरे सामान का। आज डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल मिल गया इसने खुले, और देख लो ये बिंदी निकाल ले, बिन्नी बिंदी की तो दुश्मन है। ये लग गए भाई सफाई में, दिवाली की ये सारे बर्तन रख दिए हैं खाट पे, तो मैं कर रही हूँ सफाई, शाम हो चुकी है और ये काव्या कर रही है मेरे को परेशान, मेरे और रखा आज यहाँ पे दर्द, पर क्या करें काम तो करना है भाई। मम्मी उतार रही है अभी वहाँ जो रखा हुआ था सामान, कर लो भाई जल्दी जल्दी सफाई, और काम अभी काफी बाकी है, बाकी स्लेब लेब तो बचा दी मैंने, बस थोड़ा बहुत और बच रहा है वो कर देते हैं, दिवाली की सफाई हो जाएगी मेरी किचन की कंप्लीट। वैसे इतनी सफाई की जरूरत हमारे घर में पड़ती नहीं क्योंकि नॉर्मली सफाई होती रहती है हमारी, और किचन की भी मैं तकरीबन करती ही रहती हूँ, महीने में हो जाती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि सारा सामान निकाल के बढ़िया से बिल्कुल एक किचन में बढ़िया सफाई, इसीलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा फैला हुआ है। चलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। ये भाई किचन हो गया मेरा सारा साफ, काम हो गया ख़त्म, ये देखो रिटा रानी गीजर बंद करना भूल गई, देखो मेरी सारी किचन बढ़िया चमक गई, बस मजा सा आ गया, आधा कुछ काम तो निमटा भाई मेरा, रसोई रसोई तो गई होगी निमट, अब थोड़ा बहुत रह गया है, अब और हो जाएगा कमरे का खैर मेरा इतना नहीं होता क्योंकि कमरा तकरीबन मैं करती ही रहती हूँ। इसका इंग्लिश का टेस्ट इसका मैं सुन लेती हूँ क्योंकि जब मैं काम कर रही थी ना तब ये बार बार आ रहा था बीच में, मम्मी सुन लो मम्मी सुन लो, मैंने याद कर लिया मम्मी सुन लो, तो अब मैं देख लेती हूँ कितने पानी में है, ठीक है ना भाई,
क्योंकि जब तो इसने पता था काम लग रही है तो इतना के सुनाएगी। ए भी इसने थोड़ा सा देख लेते हैं। हेलो जी, हो चुकी है रात, मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं और बाकी मैं भी सो चुकी थी एकदम, मुझे याद आपको पता चल रहा होगा आँखों से, सो चुकी थी। दोबारा उठी, एकदम क्लिक हुआ कि आज तो वीडियो मैंने तो एंड की नहीं। आज था दिन माँ चंद्र घंटा का, तो जय हो माँ चंद्र घंटा की। माँ चंद्र घंटा के नाम से आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल फिर माँ के आशीर्वाद से नया ब्लॉग शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।